कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप में लेकर अमेरिका और एशिया तक में कहर ढा रहा है। ये इतना अधिक संक्रामक है कि उसके संपर्क में आने से बचना किसी के लिए भी मुश्किल बना हुआ है। लेकिन इस बीच कुछ वैज्ञानिकों ने इस कथन के लोगों को आशा जगा दी है कि ये कोरोना वायरस महामारी की आखिरी लहर है। कहा गया है कि 2 साल से जारी महामारी के बीच कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए इसके बाद आने वाले वेरिएंट और कमजोर होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों का एक दूसरा समूह इस दावे से सहमत नहीं है। उन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अधिक खतरनाक वेरिएंट का भविष्य में सामने आना संभव है। गंभीर नहीं है संक्रमण। जो वैज्ञानिक मौजूदा लहर को आखिरी मान रहे हैं, उनकी दलील ये है कि ओमिक्रॉन लहर के दौरान उससे बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, जितना पहले आई लहरों के दौरान हुआ था। टीकाकरण और पहले के संक्रमण से बनी एंटीबॉडी से भी इस बार बहुत से लोगों का इस रूप में बचाव हुआ है कि संक्रमण ने मारक या गंभीर रूप नहीं लिया है। डेनमार्क में यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ के प्रोफेसर फ्लेमिंग कोनरादसेन ने वेबसाइट पॉलिटिको ईयू से कहा है कि लंबी मुसीबत के बाद अब डेनमार्क में ये स्थिति है कि लगभग 90% लोग संक्रमित या इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं। इसमें बीमारी बिल्कुल अलग रूप ले लेगी। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी बीमार पड़ेंगे, लेकिन बीमारी के गंभीर रूप लेने का खतरा कम रहेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। वहां इसके कारण आई लहर जल्द ही ठहर गई। उसके आधार पर वैज्ञानिकों के एक समूह की राय बनी है कि कोरोना वायरस धीरे धीरे वो रूप ले रहा है जिसमें वो व्यापक रूप से माहौल में फैला रहेगा, लेकिन जिससे लोगों के लिए कम खतरा पैदा होगा। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे धारणा के खिलाफ चेतावनी दी है। उससे जुड़ी संक्रमण रोग विशेषज्ञ मारिया वॉन किरखोव ने पिछले महीने कहा था, व्यापक रूप से फैलने का ये मतलब नहीं होगा कि वायरस कम खतरनाक हो जाएगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।